Hello friends, please subscribe my channel Knowledge Mall. हेलो फ्रेंड्स, आज ये OWS की तीसरी वीडियो है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. प्रीवियस ईयर की OWS पूछी गई है, तो आइए देखते हैं. पहला आपका द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स. इसका होता है आपका इंटिमोलॉजी, मींस कि इंसेक्ट वगैरह के बारे में जो अध्ययन किया जाता है आपका, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटिमोलॉजी. अब कहता है, देखिए नेक्स्ट है आपका कि अ पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, इसका हो जाता है आपका अल्ट्रुइस्ट. मींस कि अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, जो कि दूसरों के हित के लिए खुद की उपासना करता हो. मीन्स कि हमेशा तत्पर रहता हो दूसरे के हेल्प के लिए. कहा जाए कि एक व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन को उपासना करता है, उसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रुइस्ट. इंग्लिश में आपका अ पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, अल्ट्रुइस्ट. नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, इसका होता है आपका पिडांट. पिडांट मीन्स अगर हम बोल सकते हैं पंडितवादी ऐसा हम बोल सकते हैं, या अभिमानी व्यक्ति भी हम लोग बोलते हैं, कि वैसा व्यक्ति जो अपनी शिक्षा को शो ऑफ करता हो, जो कि अपनी शिक्षा को दिखाता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं पिडांट. अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, इसका हो जाएगा हमारा पिडांट. नेक्स्ट है अ पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीज ऑफ द आई, जो कि आई के डिजीज वगैरह को जो ठीक करता हो, वो आपका होता है ऑकुलिस्ट. तो ये आपका हो गया कि अ पर्सन हु अटेंड, मतलब कि जो आई स्पेशलिस्ट हो आपका और आई डिजीज को मतलब कि ट्रीटमेंट करता हो उसका, उसे हम लोग बोलेंगे ऑकुलिस्ट. और बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत कंफ्यूजन होता है आपका ऑकुलिस्ट वगैरह में, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट में. तो इस तरह के मैंने क्वेश्चन को क्लियर किया है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, जो कि स्पेशलिस्ट है, उसका नाम है स्पेशलिस्ट. तो उसी वीडियो में देख लीजिए, मैंने उसको क्लियर कर दिया है. नेक्स्ट है हमारा रिटर्न लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, इसका होगा आपका स्टेट्यूट. ये अगर नहीं दिख रहा है तो ये टी है हमारा, STATUTE, स्टेट्यूट. तो स्टेट्यूट हम कहेंगे, ये आपका हो जाता है कि विधि संबंधी जो कानून लिखे जाते हैं, तो कि कोई भी मतलब विधि है, कानून है, और उसपे जो आपका रूल लिखा जाता है, जो नियम लिखा जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्टेट्यूट. नेक्स्ट है आपका कि अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसे कि प्रसन्न करना, जिसे खुश करना मुश्किल हो, उसे हम लोग कहते हैं फास्टिडियस. इसका मतलब होता है जिसे खुश करना मुश्किल हो, उसे कहते हैं हम लोग फास्टिडियस. नेक्स्ट है आपका अ लिस्ट पैसेंजर्स एंड लगेज, कि कोई लिस्ट जिसमें कि पैसेंजर और लगेज का जो आपका लिस्ट बनाया जाता है, उसे हम लोग बोलेंगे वे बिल. मतलब इसका अगर हिंदी कहा जाए तो होता है आपका यात्री की सूची. जो सूची एक तैयार की जाती है लगेज और पैसेंजर्स की, उसे हम लोग बोलेंगे वे बिल. हमारा ए हैंडराइटिंग दैट कैनॉट बी रीड, कि वैसा हैंडराइटिंग जिसे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, मीन्स अस्पष्ट नहीं लिखा हुआ हो, उसे हम लोग बोलते हैं इलिजिबल. नेक्स्ट है वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ डेड पर्सन, कि टॉम्ब मीन्स कब्र होता है, कि किसी के कोई डेड पर्सन होता है और उसकी कब्र पर जो लिखा जाता है कुछ, तो उसे हम लोग कहते हैं एपिटाफ, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समाधि लेख. आप सभी ने देखा होगा कि जब भी किसी को दफनाते हैं तो उसके ऊपर में कुछ सीमेंट से बनवा के उसमें कुछ लिखा जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एपिटाफ, समाधि लेख. नेक्स्ट है अ डेकोरेटिव हैंडराइटिंग,
कि बहुत ही अच्छा लिखा हुआ, जिसकी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग होती है, उसे हम लोग कहते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी को हम लोग बोलते हैं सुलेखन, अच्छा लेखन, सुलेखन, कैलीग्राफी। नेक्स्ट है हमारा दैट विच कैनॉट बी डिफेटेड, कि जिसे कि हम लोग हरा नहीं सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इनविंसिबल। इसका हिंदी होता है अजेय, कि जिस पर हम लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वो हो गया हमारा अजेय, दैट विच कैनॉट बी डिफीटेड, जिसे हराना मुश्किल हो, जिसे हम लोग हरा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड। गॉड से रिलेटेड जितना भी आपका आएगा, ये मैंने पहले की वीडियो में भी बता रखा है कि उसका थियो थियो जैसे भी हम लोग देखें तो वो समझ जाना चाहिए कि वो गॉड से रिलेटेड है। तो स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, तो ये हो जाएगा हमारा थियोलॉजी। नेक्स्ट है अ पोल और बीम यूज्ड अ टेम्प्रोरी सपोर्ट, कि कोई पोल या फिर कोई बीम जो कि टेम्प्रोरी, हम लोग ऐसे भी मतलब घरों वगैरह में कुछ कभी जरूरत हो जाता है तो एक छोटा सा टेम्प्रोरी कि अभी थोड़ा देर के लिए दे देती हूँ, तो एक छोटा सा कोई खंभा या किसी चीज का यूज करके हम लोग उसका सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोप। कि अ पोल और बीम यूज अ टेम्प सपोर्ट के लिए यूज किए हैं बट टेम्प्रोरी है वो, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रोप। वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, कहता है आर्ट का, जो गार्डनिंग का आर्ट है उसका जब अध्ययन होता है उसे हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट। नेक्स्ट है अ रिमेडी फॉर ऑल डिजीज, कि सब रोगों का रामबाण, उसे हम लोग बोलेंगे पेनासिया, पेनाशिया, PANACEA। सॉरी ये स्पष्ट नहीं दिख रहा था, मैंने लिख दिया है पेनेशिया, कि रिमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी रोगों का रामबाण इलाज, तो उसे हम लोग कहेंगे पेनेशिया। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, कि जिन्हें कि बंद जगह से डर लगता है उसे हम लोग कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। और फोबिया की भी मैंने एक वीडियो दे रखी है अलग से, तो उसमें और भी बहुत से फोबिया दिए गए हैं, तो फोबिया की अगर वीडियो देखनी हो तो आप मेरी पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मर्डर ऑफ अ किंग, अगर किंग की हत्या की जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं रेजिसाइड। और साइड की भी मैंने एक वीडियो दे रखी है, आप उस साइड में सारे तरह के साइड दिए गए हैं जो भी इम्पोर्टेंट है, तो साइड के लिए आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि किसके मर्डर को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे किंग की बात की गई है तो इसे हम लोग बोलेंगे रेजिसाइड। नेक्स्ट है हमारा अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, कि जहाँ पे चिड़िया बर्ड्स को रखा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एबियरी। नेक्स्ट है दैट विच हैज अ डबल मीनिंग, कि कोई ऐसा वर्ड जो कि डबल मीनिंग देता हो उसे हम लोग कहते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस की हिंदी होती है हमारी संदिग्ध, संदिग्ध, कि दैट विच हैज अ डबल मीनिंग, जैसे जिसके दो अर्थ निकलते हैं उसमें, उसे कहते हैं हम लोग एम्बिगुअस। नेक्स्ट है हमारा दैट विच इज नो लॉन्गर फैशनेबल और इन यूज, उसे कहते हैं ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है प्रचलन से बाहर, कि कोई ऐसा चीज जो बहुत लंबे समय तक फैशन में नहीं चला और या फिर अब उसका कोई यूज वैसा होता नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रचलन से बाहर, दैट विच इज नो लॉन्गर फैशनेबल और इन यूज, ऑब्सोलीट। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों तक बड़े ही आसानी से और सबसे पहले पहुँचे आप लोगों तक। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। धन्यवाद।